बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूवर्स, आप मेरे यूट्यूब चैनल को वॉच कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद अदनान है। आज बात करेंगे बजट। जैसे कि आपको पता है, 2023-24 पेश कर दिया गया है। इस बजट में शहबाज हुकूमत की तरफ से बेपनाह नए स्कीमों का भी जो है वो आगाज़ किया जाने वाला है। और इसके अलावा इस बजट में जो BISP यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो कफालत प्रोग्राम इसका चल रहा था कैश के सूरत में, जिसकी समाई के सभी आना बाकी है, तो उसमें भी बेपनाह इजाफा कर दिया गया है। तालीमी वज़ाइफ में भी बेपनाह इजाफा किया गया है। इसके अलावा होनहार तालिब इल्मों के लिए लैपटॉप स्कीम का इजरा किया गया है। इसके अलावा तमाम तर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया गया है। इसके अलावा पेंशनर्स की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। ये इंतहाई दोस्त साज बजट है जो इस हुकूमत ने पेश किया है। और बताता चलूँ आपको कि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम के दायरा कार को बढ़ाया जा रहा है, मज़ीद वसअत दी जा रही है। और जारी करदा हिदायत के मुताबिक, जैसे कि 16 जून को जो है वो अब पंजाब, या 19 जून को जो है पंजाब गवर्नमेंट भी अपना बजट पेश करेगी, तो उसमें ये भी उम्मीद की जा रही है कि सब्सिडी टारगेट जो है वो उसको बढ़ाया जाएगा, जिसमें BISP के अंडर आने वाला प्रोग्राम, एहसास राशन प्रोग्राम और तेल और डीजल की जो प्रोग्राम था जिसको बंद कर दिया गया था, शायद वो भी दोबारा स्टार्ट किया जाए और टारगेटेड लोगों तक ये सब्सिडी पुकराई जाए। डायनेमिक रजिस्ट्रेशन को भी बढ़ाया गया है। इसके दायरा कार को, नए ख़ानदानों को जगह दी गई है कि वो जल्द अज़ जल्द इस प्रोग्राम में अपना इंदराज करा सके। हुकूमत गरीब तबके पर ख़ास कर अपनी नज़रों को जमाए हुई है कि किस तरह इन लोगों को जो है वो गुर्बत की चक्की से निकाला जा सके, उनकी मदद की जा सके। आपको बताता चलूँ कि 15 जून जो है उस डेट से हतमी तारीख है जिससे जो है एहसास कफालत प्रोग्राम की किस्तें आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएंगी, जबकि तालीमी वज़ायफ़ आगोश नशोनुमा के जो पैसे हैं वो 25 जून के बाद, यानी कि आखिरी जून के हफ्ते में आपके अकाउंट्स में आना शुरू होंगे। शायद ये भी एक तखमीना लगाया जा रहा है कि इससे बच्चों के वजीफे में भी थोड़ा सा शायद जो है इजाफा कर दिया जाए, जबकि किस्त आपको 9,000 रुपये पर मबनी मिलेगी। इसके अलावा नए जितने भी ख़ानदान जिन्होंने अपनी कफालत की रजिस्ट्रेशन करवाई थी, उन्हें भी इस दायरा कार में शामिल किया जा रहा है। उनको भी अहलियत के मैसेज जो है वो 8171 से रवाना किए जा रहे हैं। 8171 से मैसेज के बाद ही उन्हें पता चलेगा कि वो इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं या नहीं है। सबसे पहले आप अपना स्टेटस जो है वो 8171 वेब पोर्टल पर चेक कर लिया करें, जगहों के इस वक्त तक तो काम नहीं करा, थोड़ी सी चेंजिंग की गई है इसमें। 8171.web के बाद आप BISP डालेंगे और उसके बाद .gov, तो आपके सामने जो पहला लिंक खुलेगा आपने वहां जाकर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है और अपना स्टेटस मालूम करना है। अगर आप अहल हैं तो याद रखिएगा ये किस्त आपको ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।